मल्टीपल यूट्यूब चैनल चलाने के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोज वैसे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल सही जानकारी है वो अभी तक किसी ने नहीं दिए। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्चुअल सही इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। देखिए, यहाँ पे दो सिनेरियो में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि सर हमारे पास एक फ़ोन है, उसमें हम एक से ज़्यादा मल्टीपल चैनल चलाते हैं, तो क्या कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? दूसरी बात यह है कि मल्टीपल चैनल अगर हम अलग अलग मोबाइल में भी चलाएं तो कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? और तीसरी बात यह है कि क्या हमें मल्टीपल चैनल चलाने भी चाहिए? तो देखिए, एज ए गुड क्रिएटर आपको मल्टीपल चैनल चलाने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आपका एक चैनल थोड़ा सा हिट हो जाए तो दूसरा चैनल जरूर खोले, और एक अच्छा यूट्यूबर हर साल एक नया चैनल ओपन करता है, इससे उसके कमाई के साधन बढ़ जाते हैं। क्योंकि आज आपने एक नया चैनल बनाया, 6 महीने काम किया, थोड़ा सा ग्रो किया, आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप एक दूसरा चैनल भी बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मल्टीपल चैनल है, और बहुत सारे जो ऑलमोस्ट क्रिएटर्स हैं उनके पास सबके पास मल्टीपल चैनल्स हैं, ताकि वहां से अर्निंग आती रहे। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि कभी आपका एक चैनल डाउन है तो दूसरे से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि चैनल अप डाउन होते रहना YouTube में आम बात है। अब आते हैं मेन सवाल की ओर। पहला सवाल, क्या एक फोन में हम 3 चैनल चला सकते हैं, एक ही ईमेल आईडी से बनाएं या अलग अलग से बनाएं? तो देखिए, अगर आपने एक ईमेल आईडी से 3 चैनल बना रखे हैं और आप एक फोन में उनका इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है। मेरा ये फोन है, मैं भी इसमें ऐसा ही करता हूं और पिछले 6 साल से कर रहा हूं। अब बात करते हैं दूसरी। मान लीजिए आप अलग अलग ईमेल आईडी से 3-4 चैनल चलाते हैं, तो क्या हम एक फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्विच अकाउंट करके आप चाहे जितने चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही फोन में। मैं इस फोन में करीब आज 4 से 6 चैनल, करीब 6 चैनल आई थिंक मैं इससे मैनेज करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अभी कभी भी मत सोचना कि यार एक फोन में हम ज्यादा चैनल रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्विच करके यूज कर सकते हैं। अब आती है कि फिर मल्टीपल चैनल में प्रॉब्लम आती कहाँ है? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई एक ईमेल आईडी बनाई, उससे आपने सपोज 2 या 3 चैनल बना लिए, सपोज आपने 3 चैनल बनाए, ध्यान से समझ लेना अब इस बात को, 3 चैनल बनाए और आप एक फोन में नहीं चलाते, अलग अलग डिवाइस में चलाते। मान लीजिए एक चैनल आपके फोन में चल रहा है, एक आपके कंप्यूटर में चल रहा है, एक आपके कोई आईफोन में चल रहा है, कोई भी अलग अलग डिवाइस में चल रहा है, फिर भी अगर उनमें किसी भी, देखिए एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तीनों चैनल जो अभी आपने 3-4 चैनल चला रखे, मान लो 3 चैनल चला रखे एग्जाम्पल के लिए, तीनों चैनल की ईमेल आईडी अलग अलग है लेकिन तीनों का एडसेंस सेम है, ध्यान रखें एडसेंस अकाउंट अगर सेम है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम कैसे, अगर आपका एडसेंस बंद हुआ, सिर्फ और सिर्फ एडसेंस परमानेंटली डिसेबल हुआ, तो तीनों चैनल से कमाई रुक जाएगी। चैनल चलते रहेंगे बट आपका एडसेंस बंद हो गया तो आपकी कमाई रुक जाएगी, और उन चैनल्स में आप दूसरा जो एडसेंस है वो लिंक नहीं कर पाओगे, अगर एडसेंस परमानेंटली डिसेबल हो गया तो, ध्यान से। लेकिन अगर आपका एडसेंस परमानेंटली डिसेबल नहीं हुआ, अच्छा खासा चल रहा है, तो आप जब चाहे एक चैनल से उसको अटैच कर सकते हैं, बाकी दो में अपना एडसेंस चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। अगर मान लीजिए आपका एडसेंस भी अलग अलग है, मान लो एक ईमेल आईडी से आपने एडसेंस भी अलग बनाया, चैनल भी अलग बनाया, फिर दूसरी ईमेल आईडी से आपने चैनल भी अलग बनाया और एडसेंस भी अलग बनाया, तीसरे से आपने चैनल भी अलग बनाया एडसेंस भी अलग बनाया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके किसी एडसेंस में प्रॉब्लम आएगी बाकी 2 एडसेंस चल रहे हैं, पैसा आता रहेगा। आपके कभी चैनल में प्रॉब्लम आएगी तो भी बाकी 2 चैनल चलते रहेंगे, क्योंकि चैनल बंद होना अलग बात है और एडसेंस बंद होना अलग बात है। लेकिन मान लीजिए आपने एक ईमेल आईडी से 3 चैनल बना रखे हैं, और मान लीजिए आप अलग अलग डिवाइस में तीनों चैनल को यूज कर रहे हैं, सपोज फिर भी अगर एक चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया, मल्टीपल स्ट्राइक आ गया, या फिर कोई कॉपीराइट मल्टीपल स्ट्राइक आ गया, किसी भी वजह से एक चैनल अगर परमानेंटली आपका जो है खत्म कर दिया गया, यूट्यूब की तरफ से रिमूव कर दिया गया, तो बाकी 2 चैनल पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। यूट्यूब को लगता है कि अरे ये बंदा सही नहीं है, ये वॉयलेट करता है पॉलिसीज को, तो बाकी के 2 चैनल में भी प्रॉब्लम आपको आएगी, और ऐसे बहुत सारे लोगों को आती है, चाहे आप अलग अलग डिवाइस में यूज करो, चाहे आप कैसे भी करो। इसके अलावा मान लीजिए आपने एक ईमेल आईडी से एक चैनल बनाया और आपके पास अभी तक एक ही चैनल है, और उस पर मल्टीपल मान लो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई, वो चैनल रिमूव कर दिया गया, अब उस ईमेल आईडी से भविष्य में आप दूसरा चैनल भी क्रिएट करोगे तो हो सकता है वो भी यूट्यूब की तरफ से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि वो एज ए पर्सन आपको समझ जाएगा कि ये बंदा पॉलिसीज को वॉयलेट करता है, समझ गए? तो यानी अगर आप कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप कंटेंट अच्छा बनाते हो, कोई भी स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं आए, तो आप एक फोन में चाहे जितने चैनल मैनेज कर सकते हो, चाहे वो एक ईमेल आईडी से बनाओ, चाहे वो अलग अलग ईमेल आईडी से बनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप
कोई भी एक चैनल पे कुछ ऐसा काम करते हो कि आप गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, वॉयलेट करते हो, उसके वजह से आपका चैनल रिमूव होता है, तो उसी ईमेल आईडी से आप जितने भी चैनल बनाओगे, भले ही आप डिवाइस चेंज कर दो, लेकिन आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया मल्टीपल चैनल को लेकर। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे कॉन्टेंट आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।